प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस और भाजपा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। इसके चलते आज दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जिसमें माना जा रहा है कि प्रत्याशियों की पहली सूची जारी हो सकती है। बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि पहली लिस्ट में 80 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर आज नई दिल्ली में भाजपा कोर समिति की बैठक होने जा रही है। इसमें चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राजेंद्र राठौड़ सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर मोहर लग सकती है। राजस्थान को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज हो रही है, जिसमें माना यह जा रहा है कि प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। बैठक कांग्रेस मुख्यालय पर सुबह 10:30 बजे से शुरू होगी। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि पहली लिस्ट में 80 उम्मीदवारों के नाम जारी किए जा सकते हैं। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं और इन विधानसभा सीटों पर 25 नवंबर को चुनाव होने हैं। पहले ये तारीख चुनाव आयोग ने 23 नवंबर को तय की थी, लेकिन इस दिन देव उठानी एकादशी होने के कारण राजस्थान में 50,000 से भी ज्यादा शादियां हैं, इसी कारण अब तारीख को 25 नवंबर तक किया गया। कांग्रेस पार्टी की लिस्ट 3 से 4 चरण में निकाली जा सकती है। बीजेपी से पहले राजस्थान में अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट निकाल चुकी है।